हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। तो इस चैप्टर में हम तीन कहानियों को समझेंगे। अ बेबस फ्रॉम गोवा बाय लुसियो रॉड्रिगस, सेकंड क्रूक बाय लोकेश एब्रॉल और थर्ड टी फ्रॉम आसाम बाय अरूप कुमार डाला। तो अगर आप कभी भी अपने कंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपके माइंड में किस टाइप के लोग, कौन सा प्लेस सबसे पहले आता है? आप इंडिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां आप रहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट फ्रेंच और पोर्चुगीज ने इन्फ्लुएंस किया था? क्या आप ये बता सकते हैं कि टी और कॉफी इंडिया के कौन से पार्ट में ग्रो होते हैं? तो अब हम लोग फर्स्ट स्टोरी को शुरू करते हैं, बेकर फ्रॉम गोवा। वैसे अब आप लोग कोई भी नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिजल्ट, 10th एंड 12th ऑफ ऑल स्टेट को बस एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर मोर विजिट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये कहानी है ट्रेडिशनल गांव विलेज के बेकर्स का, जिसकी एक सोसाइटी में आज भी एक इंपॉर्टेंट जगह है। आप लोग कभी ना कभी अपने एल्डर्स को ये कहते सुना होगा कि वो अपने पुराने जमाने को याद करके एक दूसरे को बताते होंगे जब पोर्चुगीज के दिन हुआ करते थे। तो एल्डर्स उन्हीं पोर्चुगीज की बातें करते हैं, उनके जमाने में जो ब्रेड होते थे, इन सब चीजों के बारे में ही वो बातें करते हैं। हाँ, शायद उन पोर्चुगीज जो ब्रेड बनाते थे, उन ब्रेड को खाने वाले अब नहीं रहे होंगे, लेकिन उन ब्रेड्स को बनाने वाले आज भी मौजूद हैं। आज भी मिक्सर्स, मोल्डर्स, वो सभी लोग चीजें मौजूद हैं जो लोब्स को बेक किया करते थे। वो पुराने फर्नेंस जिसमें वो लोब्स पकते थे, वो आज भी मौजूद हैं। उस फर्नेंस में जो आग जल रही थी, वो आज भी जल रही है, वो बुझी नहीं है। आज भी वो साउंड उस ट्रेडिशनल बेकर्स बैंबू की सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि वो कह रहा हो कि मॉर्निंग ब्रेड्स आ गई है, और ऐसी आवाज कुछ प्लेस से ही आ रही होती है। हाँ, ये हो सकता है कि फादर्स जो थे, जो बेक्स किया करते थे, वो शायद अब जिंदा ना हो, लेकिन उस ट्रेडिशन को उनके बेटे आज भी फॉलो कर रहे हैं, और इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर्स कहा जाता है। तो अब ऑथर कहते हैं कि उनके बचपन में ये बेकर हमेशा साथ रहते थे, फ्रेंड हुआ करते थे और गाइड भी किया करते थे। वो लोग लगभग घर दो बार आ जाया करते थे दिन में। फर्स्ट टाइम वो तब आते थे जब वो लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह अपने ब्रेड को बेच रहा करते हैं, और दूसरा तब जब उनकी बास्केट खाली हो जाया करती थी और वो वापस जा रहे होते थे। तब उनके बैंबू से एक अजीब किस्म की साउंड निकलती थी। सभी लोग उस साउंड को सुन जाग जाया करते थे और दौड़कर उनके पास जाया करते थे। तो ऐसा क्यों होता था? क्या ऐसा इसलिए था कि हम लोगों का ब्रेड के प्रति प्यार था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोव्स तो कोई सर्वेंट लाया करता था घर का, शायद कोई पेस्किंस और बेस्टिन। हम लोग तो बस उस ब्रेड के लिए जाते थे जो बैंगल्स के फॉर्म में होते थे, और हम उसे ध्यान से सेलेक्ट करते थे। कई बार तो वो ब्रेड खास तौर पे मीठी बनाई जाती थी। तो जब भी ये बेकर्स आते थे तो झंग झंग करके एक म्यूजिक बजता था जो इनके बैंबू से आ रहे होते थे। उनका एक हाथ बास्केट को पकड़ा होता था और सर माथे पर होते थे, और दूसरे हाथ से बैंबू को जोर से बैंग यानी पीटा करते थे जमीन पर। तो जब घर के लेडी ब्रेड के लिए निकलती थी तो वो बेकर्स लेडी को गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करते थे और ब्रेड के बास्केट को बैंबू पे रख देते थे। अब ऑथर कहते हैं कि हम बच्चे को तो डांटकर साइड कर दिया जाता था, लेकिन हम भी, यानी कि ऑथर, कहां मानने वाले थे। वो कैसे भी करके बेंच पे चढ़कर, कैसे भी करके बास्केट के अंदर पीप झांक लिया करते थे। आज उन लोव्स के खुशबू की स्मेल आज भी उन्हें आती है, वो आज भी उन्हें याद है। लोव्स बड़े लोगों के लिए आते थे और बैंगल्स छोटे बच्चों के लिए।
उन बेकर्स के आने के बाद तो हम ब्रश करना ही भूल जाते थे, फेस भी ठीक से नहीं धोते थे और हम चिंता भी क्यों करें। अब कौन आम के लीफ को तोड़ेगा और फिर दांतों को साफ करेगा, और ब्रश करने की जरूरत भी क्या थी, क्या कभी टाइगर ने ब्रश किया है। और अगर हम गरम चाय पी ले तो वैसे ही हमारे दांत पूरे के पूरे साफ हो जाते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन हो, जैसे शादी का फंक्शन ही क्यों ना हो, अगर उस फंक्शन में ब्रेड ना हो तो उस फंक्शन का सारा रौनक ही खत्म हो जाया करता है। अगर मैं कुछ भी ना कहूं तो भी ये पता चलता है कि एक बेकर गांव के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। घर के लेडीज सैंडविच बनाती हैं जब भी उनके घर में उनकी बेटियों की इंगेजमेंट होती है। केक्स ये चीज क्रिसमस या किसी भी फंक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते थे, और बस इन सभी चीजों के लिए ही तो उन बेकर्स की फोर्नेंस विलेज में काफी जरूरत थी। उन जमाने में बेकर्स या फिर जो ब्रेड सेलर होते थे, वो जो ड्रेस पहना करते थे उनका नाम, उस ड्रेस का नाम होता था कबाई, जो एक ही कपड़े की बनी हुई होती थी। एक लंबी सी फ्रॉक हुआ करती थी जो घुटनों नीस तक आती थी। बचपन में ऑथर ने देखा था कि उनके बेकर्स तो शर्ट और ट्राउजर पहने थे, और अगर आज भी कोई हाफ पैंट पहन ले जो थोड़ा सा घुटनों से नीचे हो तो कोई ना कोई ये कमेंट कर देता था कि ये तो पैटर की तरह लग रहा है। ये बेकर पूरे महीने ब्रेड देते थे और मंथ के एंड में उन ब्रेड्स का बिल दे दिया करते थे, और पेंसिल से दीवार पर इन बिल को मंथली अकाउंट को लिख दिया जाता था। बेकिंग एक ऐसा प्रोफेशन था पुराने जमाने में उन जिसमें काफी प्रॉफिट हुआ करता था। अब चाहे वो बेकर हो, उसकी फैमिली हो या सर्वेंट हो, उन सबको देख ऐसा लगता था कि वो सभी खुश हैं, खाते पीते घर के हैं। आज भी अगर कोई इंसान ऐसा दिख जाता है कि वो हेल्दी हो, फिजिकली फिट हो, जैकफ्रूट कटहल जैसा उसकी लुक हो, सेफ हो, तो लोग कह देते थे कि अरे ये तो बिल्कुल एक बेकर जैसा है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने अ बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ा था, आज हम लोग क्रूग पढ़ेंगे। क्रूग एक कॉफी कंट्री है जो स्पीसीज मसालों और रेन फॉरेस्ट के लिए काफी मशहूर है। मैसूर और कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच एक प्लेस है जिसे देख ऐसा लगता है कि ये प्लेस स्वर्ग से उतरकर यहाँ आ गई हो। यहाँ की जमीन पर इनके पहाड़ों पर एक रेस बसा हुआ है मार्शल मैंस का। ब्यूटीफुल सुंदर औरतें रहती हैं और कई सारे वाइल्ड क्रिएचर्स का। क्रूग या कोडागु ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, और ये प्लेस एक घर है रेन फॉरेस्ट का, स्पीसीज और कॉफी प्लांटेशन का। 30% एरिया यहाँ का एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। मॉनसून जब आती है यहाँ पे तो इतनी बारिश होती है कि कोई पैर तक नीचे नहीं रख सकता है। यहाँ पे सुनहरा मौसम, खुशनुमा अच्छा मौसम बस सितंबर से लेके मार्च तक ही होता है। वेदर एकदम परफेक्ट रहता है। हाँ, थोड़ा सा सावर कभी कभी हो जाया करता है जो काफी इम्पोर्टेंट भी है। वहां के एयर में भी आपको कॉफी की सुगंध मिल जाया करेगी। यहाँ के लोग ग्रीक और अरबिक डिसेंट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कहानी काफी मशहूर है कि अलेक्जेंडर अपनी आर्मी के साथ साउथ के कोस्ट में मूव कर गए और वहीं पे सेटल भी हो गए, क्योंकि वहां से वापस जाना मुश्किल था। फिर इन लोगों ने वहां के लोकल लोगों से शादी कर ली, और ये सारी चीज उनके ट्रेडिशन कल्चर मैरिज ट्रेडिशन में साफ दिखती है, जो बिल्कुल ही अलग होता है हिंदू ट्रेडिशन से। उनके पहनने का तरीका, जो कपड़े वो पहनते हैं वो ज्यादातर लॉन्ग ब्लैक कोट होते हैं जिसपे सुंदर सा बुनाई किया होता है, और ये कपड़े ज्यादातर कोडावुज जिसे कुपिया भी कहते हैं वो लोग पहना करते हैं, क्योंकि ये एकदम सेम दिखते हैं खुफिया जैसे, जिसे अरब और
क्रूड्स के लोग पहना करते हैं। क्रूड के लोग जिंदा दिल खुशनुमा होते हैं, लोगों का अच्छे से आदर इज्जत करते हैं और यहाँ के लोग बहादुर बच्चे या पिता जो भी हो, जो भी कभी युद्ध में लड़े थे, उनके बहादुरी को हमेशा याद करते हैं, उनकी स्टोरी जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। क्रूग रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक बेस्ट रेजिमेंट माना गया है क्योंकि इस रेजिमेंट की ब्रेवरी के सबसे ज़्यादा लोग हैं, जिनमें से एक हैं जनरल गरियप्पा जो खुद भी एक क्रूगी थे। इंडिया में आज भी सिर्फ कोडावुज ही फायर आर्म्स अपने पास रख सकते हैं बिना कोई लाइसेंस के। कावेरी नदी का पानी भी इन्हीं एरिया के फॉरेस्ट और हिल से होते हुए आती है। इस फ्रेश वाटर में मशहूर नाम का फिश भी पाया जाता है, किंग फिशर्स बर्ड इन फिश को ही पकड़कर खाती है। यहाँ के स्क्रेल और लंगूर खाए हुए फ्रूट्स को मस्ती करने के लिए पानी में फेंका करते हैं ताकि पानी में हलचल हो। वो सब देखने के लिए वो लंगूर उन खाए हुए फ्रूट्स को पानी में फेंक देते हैं। महावत अपने हाथियों को अच्छे से स्क्रब कर नहाते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ के गेम जो लोग पसंद करते हैं वो हैं रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तब आप इस रास्ते से गुजरिएगा तो बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज भी आपको कंपनी देगी। कुछ एनिमल्स जैसे मलाबार स्क्विरल्स, मैकाक्वीज, लंगूर्स एंड स्लेंडर्स लॉरिस, ये सब एनिमल्स वहाँ पेड़ों पर से आपके ऊपर नज़र रखते दिखेंगे, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं ऐसा लगता है उन एनिमल्स को देख के। और जैसे ही वाइल्ड एलिफेंट्स आते हैं तो सभी लोग साइड हट जाना ही पसंद करते हैं। और अगर आप ब्रह्मागिरी हिल्स पे चढ़ते हैं तो आपको क्रूग का पूरा सीन दिखेगा लैंडस्केप व्यू में। और अगर आप एक ब्रिज को क्रॉस करके आगे जाते हो तो आपको निसार गधमा जो 64 एकर्स में फैला है वो दिखेगा। बाइलाकुपी जो एक प्लेस है क्रूग में, ये बुद्धिस्ट मॉन्क हैं बड़ा सा, जो यहाँ के लोगों के लिए एक प्रॉफिट की तरह है। जब भी लोग यहाँ आते हैं तो जो मॉन्क्स होते हैं रेड एंड येलो रोब्स में, इनको देख सभी काफ़ी सरप्राइज होते हैं क्योंकि ये मॉन्क्स ही इंडिया के हार्ट और सोल हैं जो कहीं नहीं बस क्रूग में ही मिलते हैं। टी फ्रॉम आसाम। सो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रांजल जो एक यंगस्टर है आसाम का रहने वाला है, ये लड़का राजवीर का क्लासमेट है और दोनों दिल्ली के स्कूल में पढ़ाई करते हैं। आसाम में प्रांजल के फादर मैनेजर हैं टी गार्डन के और प्रांजल अपने फ्रेंड राजवीर को इनवाइट करता है अपने घर आने के लिए समर वेकेशन में। अब एक वेंडर जो चाय बेच रहा था वो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा था, चाय, गर्म चाय, चाय। फिर ये खिड़की के पास आके पूछता है, चाय साहब, क्या आपको चाय चाहिए? तो प्रांजल कहता है, हाँ दो कप दे दो। फिर दोनों ने गर्म चाय पी, मजे से चुस्कियाँ ली। दूसरे लोग भी जो उसी कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे वो लोग भी चाय पी रहे थे। तभी राजवीर एकदम से प्रांजल से कहता है, क्या तुम्हें पता है लगभग 80 करोड़ कप से भी ज्यादा लोग चाय पीते हैं डेली पूरे वर्ल्ड में? व्यू, प्रांजल कहता है, क्या सच में? तब तो टी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तभी ट्रेन भी स्टेशन से खुल जाती है और प्रांजल भी अपने डिटेक्टिव बुक को पढ़ना चालू कर देता है। राजवीर को भी डिटेक्टिव कहानियां पढ़ना काफी पसंद थी, लेकिन वो उस समय सुंदर सीन को देख रहा होता है। सभी जगह बस हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर इतनी ग्रीनरी हरियाली कभी पहले नहीं देखा था। ट्रेन उन सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड से होते हुए टी बुशेस की तरफ जा रहा होता है। सारी सीनियरी व्यू सब देखने वाला था, इतनी सुंदर व्यू सीन जो था। इन पैडी लैंड्स और फूडेड हिल्स के बाद जो दूर दूर तक फैला हुआ था, जो दिख रहा होता है साफ साफ, वो सिर्फ और सिर्फ टी बूसेस ही थे। अब ये छोटे टी प्लांट के बीच में कुछ लैंप स्टडी शेड वाले पेड़ थे, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि वो जो रोज थी बूसेस वाली, वो एक डॉल के फिगर जैसी लग रही थी जो मूव कर रही है।
अब कुछ ही दूरी पर डिस्टेंस पर एक गंदी सी बिल्डिंग थी जिसमें से धुआं निकल रहा था टॉल चिमनीज में से। राजवीर तभी खुशी से एक्साइटेड होकर चिल्लाता है, हे और टी गार्डन। लेकिन प्रांजल जो वहीं पे बड़ा हुआ था उसे उसके राजवीर के एक्साइटमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओह तो ये है एक टी कंट्री, आसाम में ही सबसे ज्यादा टी उगाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और आगे जैसे जैसे जाएंगे तो तुम इतने टी गार्डन देखोगे जिसे तुम अपने पूरी जिंदगी याद रखोगे। अब राजवीर कहता है, मैंने काफी पढ़ा है टी के बारे में लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं कि आखिर वो लेजेंड कौन था जिसने टी को डिस्कवर किया। एक चाइनीज एम्परर थे जो पानी को पीने से पहले बॉइल किया करते थे, और एक बार ऐसा हुआ कि एक ट्विग उबलता हुआ पानी के पॉट में जा गिरा जिसमें से एक अलग सा टेस्ट था, और ऐसा कहा जाता है कि वो टी के लीव्स थे, पत्ते थे। तो प्रांजल कहता है, अच्छा तो तुम कुछ और भी बताओ इसके बारे में। एक इन्हीं लेजेंड में एक और लेजेंड थे इंडिया के, बौद्ध धर्मा, जो एक एंशियंट बुद्धिस्ट थे, और इन्होंने तो अपने आई लीड को ही काट दिया था क्योंकि उन्हें मेडिटेशन करने में नींद आती थी, और उन्हीं आई लीड से 10 टी प्लांट्स उगाए गए थे और जो इसके लीव्स को पानी में डाल उबाल कर पिया गया तो जो नींद थे वो गायब हो गई। राजवीर और आगे कहता है कि ये 2700 BC की बात है, चाय को फर्स्ट टाइम चाइना में पिया गया था। यहां तक कि जो वर्ड्स हैं चाय चीनी ये भी चाइनीज वर्ड हैं, लेकिन ये यूरोप में 16th सेंचुरी में आई और चाय को एक दवा के रूप में पिया जाता था। तभी ट्रेन मेरियनी जंक्शन पे रुकती है और दोनों लड़के अपने लगेज को उठा प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं जहां प्रांजल के पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। फिर वो लोग वहां से धी किया बरी के लिए ड्राइव करते हुए जा रहे थे, और ये प्लेस में जो टी गार्डन था वो प्रांजल के डैड ही मैनेज करते थे। एक घंटे ड्राइव करने के बाद मेन रोड खत्म हो गया। वो लोग एक कैटल ब्रिज को क्रॉस कर धेकिया बरी टी एस्टेट पहुंचे। वहां दोनों ही साइड टी बूसेस ही थे, पूरा नीट एंड क्लीन, और सब एक ही हाइट के ही थे। कुछ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, जो एक प्लास्टिक एप्रन पहन रखे थे, वो टी लीव्स को, नए टी लीव्स को तोड़ रहे थे। तभी प्रांजल के डैड ने अपनी गाड़ी धीरे की ताकि एक ट्रैक्टर जिसपे टी लीव्स लोडेड थे वो निकल जाए। तभी राजवीर पूछता है, मिस्टर बरुआ, क्या ये सेकेंड टाइम, यानी क्या ये वो दूसरा टाइम है जब न्यू लीव्स, नए नए टी लीव्स उग रहे हैं, और ये मई टू जुलाई तक ऐसे ही रहेगा जिसमें से अच्छे से टी मिल पाए। तभी प्रांजल के डैड मिस्टर बरुआ कहते हैं, ओहो तुमने तो काफी अच्छी होमवर्क कर रखा है। राजवीर कहता है, जी हाँ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब तक मैं यहाँ रहूं मैं टी के बारे में और ज्यादा जान सकूं। सो स्टूडेंट, दिस वॉज द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोग को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।